हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार समर्पण द लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मैं उन सभी छात्रों के लिए बनाया हूँ जिनका क्लास में चैप्टर छूट जाता है, या जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए, मैं केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर क्लास 9 के हमारे परिवेश में पदार्थ की शुरुआत करने चल जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे परिवेश में पदार्थ, तो पहला टॉपिक पदार्थ। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का डिफिनेशन आप सभी जानते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। टेबल, जल, हवा, ये सब पदार्थ हैं। टेबल ठोस रूप में हो गया, जल द्रव में हो गया और हवा गैस रूप में हो गया, जो पदार्थ है। पदार्थ के भौतिक गुण की बात करें तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिसे अंतरण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। तो आगे पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी पदार्थ की अवस्था है, लेकिन सामान्य अवस्था ठोस, द्रव और गैस है। प्लाज्मा और बीसी पदार्थ के असामान्य अवस्था है। प्लाज्मा को पदार्थ के चतुर्थ अवस्था और बीईसी को पदार्थ के पंचम अवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए, ठोस क्या है? तो ठोस जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव जिसकी आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। गैस जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता। तो ठोस जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित, ठोस कहलाएगा। द्रव जिसकी आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता। प्लाज्मा और बीईसी आगे चर्चा की जाती है, तो उससे पहले हम ठोस, द्रव और गैस के गुण की बात करें। पदार्थ के अवस्थाओं के गुण, आकृति और आयतन। सबसे पहला आकृति और आयतन, ठोस का आकृति आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित, गैस का दोनों अनिश्चित। कणों के बीच आकर्षण, तो ठोस के जो कणों के बीच आकर्षण होता है वह प्रबल होता है, मजबूत होता है, बहुत अधिक होता है, प्रबल। से ठोस के जो कण होते हैं, ये देखिए, तो एक पदार्थ जो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण, एक दूसरे के बीच जो आकर्षण है वह एकदम प्रबल है। कणों का बीच जो आकर्षण होना चाहिए ठोस का, वह बहुत अधिक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। द्रव का जो आकर्षण होता है वह कम होता है,
गैस का और भी कम होता है। कणों की गतिज ऊर्जा, ठोस में कण जो ऊर्जा पदार्थ का जो कण होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर पाते हैं, यानी उसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। द्रव की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गैस की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। घनत्व की बात करें तो घनत्व ठोस का अधिक होता है, द्रव का कम होता है और गैस का बहुत कम होता है। संपिंडता की बात की जाए तो ठोस नहीं के बराबर होता है, द्रव अल्प होता है और गैस पर्याप्त होता है। प्रकृति, ठोस दृढ़ होता है, द्रव तरल होता है और गैस तो की प्रकृति तो आप जान ही रहे हैं। तो यह हुआ पदार्थ के अवस्थाओं का गुण। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। गैसीय कण विघटित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और आवेशित कण का एक मिश्रण बन जाता है। इलेक्ट्रॉन और आवेशित कण यानी आयन का एक मिश्रण बन जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो गैसीय कण विघटित होकर, जैसे ठोस पदार्थ को गर्म की जाती है तो द्रव में और द्रव पदार्थ को गर्म की जाती है तो गैस में, तो वही गैस कण जो होता है विघटित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और आवेशित कण यानी प्लस और माइनस आयन का एक मिश्रण बन जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के कण अत्यधिक ऊर्जावान और उत्तेजित होता है। इसमें विशेष रंग की चमक होती है। सूर्य और तारों की चमक प्लाज्मा के कारण ही है। फिर से गैसीय कण विघटित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगता है। जब ब्रह्मांड में 99% से अधिक पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, नोट पॉइंट है कि ब्रह्मांड में 99% से अधिक पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, 99% से अधिक पदार्थ जो है प्लाज्मा अवस्था में। अगला अगर हम बात करें BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह पदार्थ के पंचम अवस्था है। इसको हम लोग पदार्थ के पंचम अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम बोस आइंस्टाइन क्यों पड़ा, तो यह दो वैज्ञानिकों का दिन है। बोस सत्येंद्र नाथ बोस, आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी दो वैज्ञानिक मिलकर पदार्थ के पंचम अवस्था की खोज की। डिफिनिशन, अत्यंत निम्न ताप पर कुछ तत्वों के गैसीय परमाणु
कुछ तत्वों के गैसीय परमाणु संघनित होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ तत्वों के जो गैसीय परमाणु होता है वह संघनित होकर एक दूसरे से जुड़ जाता है। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ तत्वों के गैसीय परमाणु संघनित होकर जुड़ जाता और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसे BEC कहा जाता है और यह पदार्थ अस्थायी होता है। इससे अलग अलग परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन की बात करेंगे कि आखिर पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ को जब गर्म की जाती है तो वह गैस में, तो कैसे हुआ? ठीक है, तो जब ठोस को गर्म की जाती है तो द्रव में, द्रव को गर्म की जाती है तो गैस में। तो वही बात की जा रही है पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन। तो पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन दो तरह से होता है, एक ताप के प्रभाव के कारण और दूसरा दाब के प्रभाव के कारण। पदार्थ के जो अवस्था में परिवर्तन होता है दो तरह से, एक ताप के प्रभाव से और दूसरा दाब के प्रभाव से। जैसे जब ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा तो द्रव में, द्रव को गर्म करिएगा तो गैस में। ठीक है, तो अवस्थाओं में परिवर्तन दो तरह से, ताप के प्रभाव से और दूसरा दाब के प्रभाव से। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मेरा यहीं तक टॉपिक रहेगा। आगे अगला क्लास में, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, उनका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।